Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Ravi Shastri, coach Team India, analyzed the number of balls faced by 20 Indian players during the India versus Australia T20 series. Each player played at least 10, okay, ye important information hai, at least 10 and at most 20 balls in the series, and the number of balls of each player was an integer, okay. The line chart given below provides for each player the value of the average ball played by the 20 player, okay. Hame ab yahan pe kya bola gaya hai, the value of the average ball played by the 20 player minus the number of balls at that player in the series. जैसे हमें यहाँ पे देखिए, आप अब इसको तो रीड कर ही सकते हैं क्योंकि सिंपल गिवन है हमें, ये हमें 1 से लेकर 20 तक के हमारे प्लेयर्स होंगे और जो वैल्यू हमें कॉलम 1 में गिवन होगी ये हमारे क्या होगी, जो वैल्यू हमें यहाँ बोली गई है, मीन्स जो हमारा एवरेज होगा 20 प्लेयर्स का और उससे हम जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे उस किसी पर्टिकुलर प्लेयर की, ओके, उसकी जो भी नंबर ऑफ बॉल्स उसने प्ले की होंगी, फेस्ड की होंगी पूरे सीरीज में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. जैसे अगर मैं देखूँ, सपोज अगर मैं प्लेयर वन की बात करूँ, अगर जैसे मैं एवरेज ले लेता हूँ सपोज, ओके, तो 20 प्लेयर्स हैं हमारी, 20 प्लेयर्स हैं, उनका जो एवरेज बॉल होगा पूरी सीरीज में, अगर मैं उसका एवरेज ले लूँ तो उसका एवरेज मैं ले लेता हूँ ए, ओके, उनका मैं एवरेज ले लिया कि उनका नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड कितना है ए, तो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, ए माइनस, अगर जैसे मैं प्लेयर वन की बात करूं, ए माइनस प्लेयर वन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इज इक्वल्स टू कितना आया, मेरे को वैल्यू कितनी गिवन है, 4, ओके. तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय प्लेयर नंबर वन, ओके, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय प्लेयर नंबर वन इज इक्वल्स टू ए माइनस 4, ओके, डायरेक्टली हम यहाँ से कह सकते हैं ये कितना आ गया, ए माइनस 4, ओके. इसी तरह हम सभी की वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, ए माइनस 4, इसकी कितनी आ जाएगी, ए प्लस 2, क्योंकि हमारा 20 प्लेयर्स का एवरेज कितना है, ए, ओके, इसका कितना आएगा, ए माइनस 3, इसका कितना आएगा, ए प्लस 3, ए माइनस 4, ए प्लस 4, ए प्लस 3, ए माइनस 4, ए प्लस 1, ए माइनस 2, ए प्लस 1, ए माइनस 2, ए माइनस 1, ए माइनस 3, ए प्लस 4, ए प्लस 4, ए माइनस 3, ए माइनस 2, ए प्लस 2, ए प्लस 4, ओके. तो अगर आप देखेंगे जो हमारे जो हमने ये वैल्यूज लिखी हैं, ये क्या हैं आखिर हमारी, ये हैं हमारी नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय दीज प्लेयर्स, ओके. तो देखिए, जैसे मेरे को पता है ए माइनस 4, अब जैसे मैं वैल्यू लेके चलूं ए माइनस 4, अब मेरे ये जो प्लेयर्स हैं जिनका नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा ए माइनस 4, ऐसे हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं ये गिन लेते हैं हम, 1 2, ओके, जहां जहां हमारे 4 होगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी, 1 2 3, ओके, 3, ओके, तो ये हमारे कितने प्लेयर्स हैं ऐसे, 3. अब हम a माइनस 3 का देख लेते हैं, जब हम जिन मीन्स ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स, ओके, ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स, और ये हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स, मीन्स 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कितनी बॉल्स फेस करेंगे, a माइनस 4, ओके, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो a माइनस 3 मीन्स जहां जहां हमारे पास 3 हो, तो 1 2 एंड 3, ये भी हमारा 3 आ गया. ए माइनस 2 का चेक कर लेते हैं, ए माइनस 2 के हमारे कितने प्लेयर्स हैं, जहां जहां हमारे पास 2 होगा, 1 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास, ये भी 3 हो गया. ए माइनस 1 मीन जहां जहां हमारे पास 1 होगा, ए माइनस 1, ठीक है, जहां जहां हमारे पास 1 होगा, 1 यहाँ पे हमारे पास 1 टाइम ओनली 1 टाइम, ए प्लस 1 मीन जहां जहां हमारे पास माइनस 1 होगा, ओके, 1 2 ओनली 2 ओनली 2, ए प्लस 2 जहां जहां हमारे पास माइनस 2 होगा, दैट इज 1 एंड 2, ये भी हमारे पास 2 आ गया,
a+3, जहां जहां हमारे पास -3 होगा दैट इज 1 2, ओनली टू टाइम्स, यस ओनली टू टाइम्स, एंड a+4 में जितने टाइम्स हमारे पास -4 होगा दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो 4 अब देख लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं हमारे टोटल स्टूडेंट सॉरी प्लेयर्स कितने होने चाहिए, 20, 3 3 + 6 3 9 1 10 2 12 2 14 2 16 4 20। ओके, और हमारा एवरेज कितना है, इनका एवरेज कितना है, हमारा एवरेज है हमारा ए। ओके, जो हमारे सभी 20 प्लेयर्स हैं इनका एवरेज नंबर ऑफ बॉल फेस्ड कितना है, ए। अब हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ईच प्लेयर प्लेड एटलीस्ट 10 बॉल, ओके एटलीस्ट 10 बॉल, तो मैं इतना कह सकता हूँ a-4 की जो ये वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 तो होनी चाहिए, ओके मीन्स 10 तो होनी चाहिए कम से कम। अगर मैं 10 लेके चलता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 14, ओके क्योंकि तभी ये हमारा 14-4 10 आएगा, तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 14, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू 13 रखता हूँ तो ये मेरा कितना आएगा, 9, पर मुझे क्या बोला गया है, ईच प्लेयर प्लेड एटलीस्ट 10 एंड एटमोस्ट 20 बॉल्स इन द सीरीज, ओके तो मेरे को मिनिमम वैल्यू कितनी मिली, 14। मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, अब हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना, a+4, अब मुझे पता है कितनी बॉल फेस कर सकते हैं वो एटमोस्ट 20, तो ये कितना आएगा, 16+4=20, तो मेरे पास वैल्यू क्या क्या जाएंगी, 14 15 16, मीन्स ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 14 15 एंड 16। ओके अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एग्जैक्टली 13 बॉल इन द सीरीज, एग्जैक्टली 13 बॉल इन द सीरीज। ओके अब एक काम करते हैं, एक इसको थोड़ा सा रेज कर देते पहले, तो एग्जैक्टली 13 बॉल इन द सीरीज, ओके अब मुझे पता है ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 14, ऑल्दो आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिख रहा हूँ, जब मेरी बॉल कितनी होगी, 14, ओके तब यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 10 11 12 13, ये आ जाएगा मेरा 16, 14+3 17 एंड 18। ओके जब मेरी वैल्यू 15 होगी तब ये कितना आएगा, 11 12 13, और a-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, a+1 की वैल्यू हो जाएगी 16 17 18 19। ओके जब मेरे a की वैल्यू कितनी होगी, 16, तब यहाँ पे कितना आएगा, 12 13 14 15, ये आ जाएगा मेरा 17 18 19 20। ओके अब मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एग्जैक्टली 13 बॉल्स इन द सीरीज। अब जब मेरे यहाँ पे 13 था, ओके ध्यान दीजिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एग्जैक्टली 13 बॉल इन द सीरीज। ओके तो जब मेरे यहाँ पे 13 है तब मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 1, जब मेरे यहाँ पे 13 है तब नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 3, और जब यहाँ पे 13 है तब नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 3। ओके तो हमारे जो भी ऑप्शन में 3 और 1 में से जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, तो आप देख सकते हैं ओनली ऑप्शन 3 मीन्स हमारा 3 प्लेयर्स का ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। हाउ मेनी प्लेयर्स डेफिनेटली प्लेड एटलीस्ट 16 बॉल्स इन द सीरीज, एटलीस्ट 16 बॉल्स इन द सीरीज। ओके तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ओके अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए एटलीस्ट 16 बॉल्स, ओके अगर आप फर्स्ट केस में नोटिस करेंगे, ये मेरा केस 1 है, फर्स्ट केस में देखेंगे तो 16 और यहाँ पे हमारे टोटल प्लेयर्स कितने, 2, तो ऑब्वियसली 16 17 18 हमारा एटलीस्ट 16 में आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8। ओके हमें क्या बोला गया, हाउ मेनी प्लेयर डेफिनेटली प्लेड एटलीस्ट 16 बॉल्स इन द सीरीज। ओके अगर मैं ये वाला केस लूँ तो यहाँ पे 16 17 18 19 सब काउंट आएगा, तब मेरे प्लेयर्स कितने हो जाएंगे, 10। ओके पर मुझे और ये वाला केस लूँ तो आप देखिए 15 के बाद की बाकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी मेरा आ जाएगा 10, पर मुझे क्या बोला गया, डेफिनेटली प्लेड, तो डेफिनेटली प्लेड में हमारे सिर्फ ये 8 प्लेयर्स होंगे। ओके डेफिनेटली प्लेड में सिर्फ हमारे ये 8 प्लेयर्स होंगे जो कि तीनों ही केसेस में हमारे मोर देन 16 बॉल फेस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एग्जैक्टली 15 बॉल्स इज टू लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एग्जैक्टली 12 बॉल्स, ओके तो एग्जैक्टली 15 बॉल इज टू लेस देन, ओके तो देखते हैं इस केस में एग्जैक्टली 15 बॉल इज टू लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एग्जैक्टली 12 बॉल्स, ये तो नहीं आ रहा हमारा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखते हैं,
सेकेंड केस में हमारे पास 15 है ही नहीं, ओके। थर्ड केस में देखते हैं, जब यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे 15 वाले प्लेयर्स कितने हैं हमारे पास, 1, और यहाँ पे जब 12 होगा तो 12 वाले प्लेयर्स कितने हैं हमारे पास, 3, और यही तो हमसे बोला गया है। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एग्जैक्टली 15 बॉल इज टू लेस देन, ओके, और आप देख सकते हैं 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ओके। तो और हमें क्या पूछा गया, हु प्लेड व्हाट इज द एवरेज बॉल ऑफ द प्लेयर्स इन द सीरीज, और एवरेज हमें पता है यहाँ पे कितना है हमारा। आप देख सकते हैं जब हमने एवरेज 16 लिया था तब हमारा ये थर्ड केस आया था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एटलीस्ट 14 बॉल्स वॉज 1 लेस देन, एटलीस्ट 14 बॉल्स क्या होता है, मीन्स 14, 15, 16 एंड सो ऑन, ओके। तो एटलीस्ट 14 बॉल्स अगर मेरे इस केस में देखें, तो इस केस में मेरे फर्स्ट केस में कितना आएगा, 4 - 6 - 8 - 10, ओके। केस वन में कितना आया, 10। केस टू में कितना आएगा, अगर एटलीस्ट 14 लेके चलूं मैं, तो यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। और केस थ्री में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और ऐड हो जाएगा मेरा। आप देख सकते हैं एटलीस्ट 14 चाहिए मुझे, ओके। तो ये भी आ जाएगा मेरा 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 3 - 14, तो ये आ जाएगा मेरा 14। तो एटलीस्ट 14 बॉल वॉज 1 लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एटमोस्ट 16 बॉल्स, एटमोस्ट 16। अब देखिए केस वन में एटमोस्ट 16 कितना है, मीन जो हमारी 16 तक वैल्यू होगी, एटमोस्ट 16 में हमारे कितने प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स कितने हैं, 14, ओके। मैं इसका कलर चेंज करके लिख देता हूँ, एटमोस्ट 16 में हमारे प्लेयर्स कितने हैं, 14, ओके। क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यूज बस हमारी काउंट नहीं होंगी। केस टू में देखिए एटमोस्ट 16 तक हमारी ये वैल्यूज आएंगी, मीन्स हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 12, और एटमोस्ट 16 मीन्स 15 के बाद की वैल्यू आएंगी हमारी, ओके। एटमोस्ट 16 सॉरी मीन्स 15 के पहले की वैल्यू आएंगी, 15 के बाद की वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि मोर देन 16 नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, ओके। और हमें क्या बोला, किससे हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एटलीस्ट 14 बॉल वॉज 1 लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स, ओके, 1 लेस देन। यहाँ पे देखिए ये तो 4 लेस देन है, ये नहीं है, ये आएगा हमारा केस टू, जब हमारे ये 1 लेस देन होगा, वाज 1 लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड एटमोस्ट 16 बॉल्स, ओके। व्हाट इज द एवरेज बॉल ऑफ द प्लेयर इन द सीरीज, और एवरेज क्या है इस केस में हमारा, सेकेंड केस में एवरेज क्या है हमारा, 15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था, मॉडरेट लेवल सेट कहेंगे इसे, ओके, और इजी भी, इजी मॉडरेट कहेंगे। इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड सेट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस टाइप के सेट को आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।